में 42 लोगों की मौत के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी मशरख पहुंचे और मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दिया। लगभग 40 लोगों के मौत के बाद अब मशरख का जो ये स्थान आप देख रहे हैं, महावीर स्थान है, ये राजनीति का तीर्थ बना हुआ है और कई नेताओं का जो है दौरा लगातार जारी है। अभी हम आपको बता दें कि भाजपा का एक बड़ा शिष्टमंडल, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार चौधरी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, सम्राट चौधरी जैसे कई दिग्गज राजनेता जो है सीधे मशरख पहुंचे हैं और अब यहां से ये लोग जो है मृतकों के परिजनों से मिलेंगे, उनका कुशल क्षेम जानेंगे और सरकार की नीतियों पर बरसेंगे। लेकिन इन नेताओं के आगमन से आप देखेंगे कि ये जाम का एक नजारा लगा हुआ है। लगातार पुलिस प्रशासन जो है लोगों को रास्ता देने के लिए भी अब काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मीडिया का जो हुजूम है, ये पीपली लाइव का नजारा जो है, ये प्लस कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। शूट कर रहा है, अब इससे कितना लाभ मृतक के परिजनों को होगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन विशाल के साथ राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव भी मशरख पहुंचे। जहरीली शराब से हुई मौत के बाद पप्पू यादव ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। पप्पू यादव ने पीड़ित परिजनों को आर्थिक मदद भी दी है। पप्पू यादव ने कहा कि शराबबंदी कानून में संशोधन की जरूरत है। नीतीश जी को आग्रह और हाथ जोड़ के विनती है, सलाह नहीं देंगे, मेरी औकात नहीं, कि जितना बड़ा आपने प्रयास किया है और उस प्रयास का ज्यादा इकोनॉमी बाहर, माफिया अपराधी के पास पैसा बाहर, ड्रग्स और स्नैक्स यूथ के पास और जहरीली शराब दलितों के घर में पप्पू यादव के द्वारा बनाया जा रहा है। मतलब ये मुसारी है, ये दूसरा टोली है, ये राम टोली है या ये बिट टोली है, तो हम उसको पकड़ लिए और वहां पप्पू यादव जैसा माफिया भट्टी चला रहा है। छपरा शराब कांड पर प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग शराब पीते हैं। बिहार में शराबबंदी पर समीक्षा नहीं बल्कि 48 घंटे में इसे वापस करने की जरूरत है। शराबबंदी को अगले 48 घंटे के अंदर इस कानून को वापस लेना चाहिए और शराब बिके न बिके क्या किया जाए उस पर एक नया प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन बिहार में, नया कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें शराब को लेकर, पहले इन्होंने क्या किया अपने पहले दो टर्म में, गांव-गांव में शराब की दुकान खुलवा दिए पंचायत स्तर पे, उसके बजाय बीच का रास्ता जहां आप डंडे के बल पर शराबबंदी लागू न करके एक बेहतर रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में शराब की उपलब्धता यहाँ करा दी जाए, जो जिसको पीना है वो टैक्स दे पिए। गोपालगंज में भी पुलिस एक्शन में है। उत्पाद विभाग की टीम ने यूपी बॉर्डर और दियारा इलाकों में छापेमारी की है। NH-27 के बलथरी चेकपोस्ट पर यूपी की तरफ से आने वाली सभी गाड़ियों का सघन जांच पड़ताल उसकी की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। बिहार की सीमा में पहुंचते ही कुछ हाईकोर्ट पुलिस के द्वारा वाहनों की तलाशी ली जा रही है। इसके बाद चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग के द्वारा स्कैनर से बस और ट्रक को स्कैन किया जा रहा है। छापेमारी के दौरान एक युवक के पास से शराब बरामद की गई जो अपने शरीर में टेप से चिपका कर शराब तस्करी के लिए लेकर जा रहा था। छपरा में हुए संदिग्ध जहरीली शराब कांड के बाद गोपालगंज में शराब को लेकर जांच अभियान जो है तेज कर दिया गया है। हम अभी मौजूद हैं NH-27 के बलथरी चेक पोस्ट पे, कुचाय कोट प्रखंड में स्थित है बलथरी चेक पोस्ट, जहां यूपी की तरफ से आने वाली एक एक गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। वहीं गाड़ी को स्कैन किया जा रहा है, ट्रक हो बस हो उसे स्कैन किया जा रहा है, उसके अंदर क्या है देखा जा रहा है स्कैनर मशीन के द्वारा। उत्पाद विभाग व जिला पुलिस के द्वारा अलग अलग कैंप लगा बनाकर वाहनों की तलाशी ली जा रही है, जांच किया जा रहा है ताकि शराब जो है बिहार में प्रवेश नहीं कर सके। शराब रोकने के लिए कई स्तरों पे चेक पोस्ट पे तलाशी ली जा रही है। मधेश तिवारी, जी मीडिया, भोपाल। सहरसा में उत्पाद विभाग की टीम ने विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। अभी तक 83 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं जो शराब कारोबारी हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर ये कार्रवाई की। गिरफ्तार लोगों में 73 शराब के नशे में धुत पाए गए जबकि 10 अवैध रूप से शराब का कारोबार करते पकड़े गए हैं।
कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।